हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं एसके सर में बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए फिर से मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मार्केट चैप्टर लेके आया हूँ। और हम लोग मार्केट चैप्टर में आज स्टार्ट करने वाले हैं मोनोपोली, और मोनोपोली का क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या उसका मीनिंग है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक। साथ ही साथ यह जो लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 5 है मार्केट चैप्टर का। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लेक्चर 1, 2, 3, 4 आपको दिया रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनको भी क्लासेज स्टार्ट से छूटा होगा वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मेरा लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जा कर के अपने क्लास को वॉच करेंगे ताकि किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का इशू ना हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग आराम से देखिएगा, एकदम वन बाय वन कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। किसी प्रकार के हम लोग को जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से समझेंगे। और मैं एक गारंटी लेता हूँ, मैं प्रॉमिस आप लोगों से करता हूँ कि जितने भी चैप्टर आप लोगों को सिलेबस में मैं फुल कवर करूँगा। ख़ासतौर पर मैं UGC नेट वाले स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी देखेंगे, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को लेके चलता हूँ, जो भी UGC नेट में पूछती है उसको कंसीडर करते हुए। साथ साथ PG वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा है काफ़ी, क्योंकि उनका तो सिलेबस में है ही। क्योंकि मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ ताकि उनका एक नोट्स बन जाएगा, एग्ज़ाम में जब जाएंगे एग्जामिनेशन के टाइम में थोड़ा देख करके जाएंगे तो आपको एकदम काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं चलता हूँ अब आप लोगों को ये लेकर के ये क्लास के बारे में। आज मैं बताने वाले था मोनोपोली। तो देखिए मैं बता देता हूँ, मोनोपोली दो वर्ड से मिलके बना है, मोनो, ठीक है, जिसका मीनिंग है सिंगल, सिंगल। पोली का मतलब है, पोली का मतलब है सेलर, अर्थात मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि वैसा मार्केट जहाँ पर ओनली एक सिंगल सेलर है, जहाँ पर सिंगल सेलर हो और वो कोई अपना एक मोनोपोली प्रोडक्ट को सेलिंग करता हो। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी बातों को। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ। मोनोपोली का थोड़ा मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि देखिए क्या कहता है मोनोपोली। देखिए मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट रिफर्स, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट रिफर्स टू दी मार्केट, टू दी मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वेयर फुलर वेयर और थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। मोनोपोली कंपटीशन मार्केट रिफर्स टू दी मार्केट स्ट्रक्चर, मुझे और थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा ताकि बीच में आएगा, वेयर देयर आर लार्ज, वेयर देयर आर सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलिंग
सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेलिंग अ प्रोडक्ट, वेयर वेयर, देयर, प्रोड्यूसर एंड लार्ज मार्केट स्ट्रक्चर, वेयर देयर आर सिंगल सेलर, वेयर देयर आर सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलिंग अ प्रोडक्ट, वेयर देयर हैव नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स कहता है ए प्रोडक्ट वेयर देयर हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज सेड टू बी अ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। अब देखिए क्या समझे, कहते हैं मोनोपोली कंपटीशन मार्केट रेफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर अ सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलिंग अ प्रोडक्ट वेयर देयर हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज सेड टू बी अ मोनोपोली मार्केट। बात समझ गई, मोनोपोली मार्केट, इन दिस मार्केट द फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। मोनोपोली मार्केट हैव फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या समझे कि मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स के। फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड मेकर, इसी में कहा गया there are no difference between firm and industries। यहाँ पे क्या होता है, इस मार्केट में आपको फर्म और इंडस्ट्रीज में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं पाई जाती है। कहने का सेंस ये कि यहाँ पे वही कोई इंडिविजुअल फर्म और वो इंडस्ट्री खुद को अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है और मार्केट में सेल करती है। बट इन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, एक फर्म और इंडस्ट्री बोथ आर सेपरेट था। ठीक है, सेपरेट थिंग्स उनसे दोनों में क्या था, सेपरेट था, अपने आप में अलग था। मतलब वह इंडस्ट्रीज का मतलब होता था ग्रुप ऑफ फर्म या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फर्म आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कि बहुत सारे फर्म और फर्मों का समूह को वहाँ पे इंडस्ट्रीज बोला जाता है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम होगा, इसलिए कहा गया है मोनोपोली मार्केट इज ए प्राइस मेकर एंड टेकर। मतलब कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होती है वो प्राइस मेकर और टेकर होता है। आप लोग लिखते चलेंगे ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी, आप लोगों को एक नोट्स बन जाएगा अच्छा सा। ठीक है, अच्छे से देखते चलिए, देखिए लिखने का तरीका भी आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए लिख सकते हैं मोनोपोली मार्केट, इन दिस मार्केट फर्म
एन इंडस्ट्री इन दिस मार्केट फॉर्म फॉर्म और इंडस्ट्रीज फॉर्म और इंडस्ट्री इन दिस मार्केट फॉर्म और इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर और टेकर प्राइस प्राइस मेकर प्राइस मेकर एंड एंड प्राइस टेकर। यहाँ पे क्या होता है, इस मार्केट में फर्म या इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर बूथ। क्या बूथ रहने दीजिए, यहाँ तक समझ गए। इसमें क्या होती है, इस मार्केट का डिमांड कर्व जो होती है एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर होती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मोनोपोली मार्केट में क्या होती है, मोनोपोली मार्केट में यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू की मैं बात करूँगा या कर्व की बात करूँगा, तो यहाँ मार्जिन रेवेन्यू जो होती है एवरेज रेवेन्यू से बिलो होती है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि इन द मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एवरेज रेवेन्यू कर्व का। क्यों, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होती है कि फर्म यदि ज़्यादा प्राइस रखेगी तो कम कमोडिटी का डिमांड होगी, यदि फर्म ज़्यादा कमोडिटी बेचना चाहेगी तो फर्म की अपनी प्राइस में डिक्रीजिंग करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे, और जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को वो प्लीज़ नोट भी कर लीजिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चूँकि आप लोग अच्छे से मेरी बातों को समझ चुके होंगे इसलिए मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि टाइम के भी कमी है, टाइम को कंसीडर करते हुए हम लोगों को क्लास लेनी पड़ती है, तो इसलिए आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, शायद मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और जो नोट नहीं किए होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस करूँगा। अब देखिए मोनोपोलिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आ रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए मोनोपोली मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है, तो पहला देखिए डेफिनेशन से ही हम लोग को पता चला है, सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर। सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर पाली। दूसरा होगा आप लोगों को सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इस प्रोडक्ट का किसी प्रकार का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि निकट प्रतिस्थापना नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है प्रतिस्थापना, मतलब इसके बदले, जैसे कि मैं कह सकता टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल में आपको आता है, सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल में आता है टी और कॉफ़ी, मतलब कि यदि मैं टी की बात करूं, चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस होता है, यदि टी का प्राइस में इंक्रीजिंग कर जाए तो कॉफ़ी का डिमांड में इंक्रीजिंग हो जाती है, यदि टी का प्राइस में डिक्रीजिंग कर जाए तो कॉफ़ी का डिमांड में डिक्रीजिंग हो जाता है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक के साथ साथ दूसरे का भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मोटर कार और पेट्रोल का। यदि आप मोटर कार परचेज करेंगे तो आपको पेट्रोल भी परचेज करना ही पड़ेगा, वहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। यदि किसी कमोडिटी का प्राइस, कमोडिटी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में यदि इंक्रीजिंग हो जाती है तो उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड में भी डिक्रीजिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे मोटर कार की प्राइस में अगर इंक्रीजिंग होगी तो मोटर कार के डिमांड में डिक्रीजिंग होगी, मोटर कार जैसे डिमांड में डिक्रीजिंग होगी तो पेट्रोल का डिमांड भी डिक्रीज कर जाएगा। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक इजी से समझ गए होंगे, इसलिए मैं अब आगे मुद्दे पर चलता हूँ, चूँकि जो इसमें कीवर्ड आती है उसको भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ साथ साथ, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तीसरा लार्ज नंबर ऑफ बायर तो होगा ही, लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री इन द फर्म, रेस्ट्रिक्शन एंट्री द फर्म और इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री में रेस्ट्रिक्शन आना, ठीक है, एग्जिट करना भी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन एंट्री और एग्जिट दी फर्म भी लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंट्री टू दी फर्म कर दी, यहाँ पर टू दी फर्म। उसके बाद इसी को बैरियर टू एंट्री इसी को बोला जाता है, और करके मैं लिख देता हूँ बैरियर टू दी एंट्री और एग्जिट। इसमें एग्जिट होना और ये इंटर करना ये बैन होती है। फोर्थ में होगा मार्जिनल कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व will be downward slope, ठीक है। साथ ही साथ इस मार्केट में क्या होगा, इस मार्केट में डिमांड कर्व इज इक्वल टू होगा एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व दोनों सेम होती है, ठीक है। पांचवा, सिक्स में होगा फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, गुड्स को सप्लाई, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, और तक जाए। उसके बाद सेवन में कहता है फर्म इज प्राइस मेकर एंड टेकर। ये जो होती है प्राइस मेकर और टेकर भी होती है, ठीक है। आठवां में ये हो गया प्राइस
टेकर और मेकर। उसके बाद कहता है यूनिफॉर्म, यहाँ तक आप लोग शायद समझ गए होंगे मेरी बातों को। उसके बाद कहता है एबनॉर्मल प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन, यहाँ पे क्या होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में, एवरेज एबनॉर्मल प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 पॉइंट को, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ठीक है। इसमें क्या होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। 9 पॉइंट की मैं बात करूँ तो मेन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में। क्या है कि इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब कि डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस को चार्ज किया जाता है, साथ साथ डिफरेंट रीजन में भी डिफरेंट प्राइस ली जाती है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था, रेलवे का एग्जांपल दिया था, ठीक ना। तो ये सब होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। देयर हैव नो डिफरेंस बिटवीन, मैं इधर का मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, या रहने देता। देयर हैव नो डिफरेंस, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देयर हैव नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्रीज, फर्म और इंडस्ट्रीज में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाई जाती है परफेक्ट कंपटीशन में। आप देखेंगे ग्यारह पॉइंट सेल ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज, सेल ऑफ 11 नंबर पॉइंट, सेल ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, ये 11 नंबर पॉइंट है। मैं यहाँ से घेर दिया हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से था। और 11 नंबर पॉइंट क्या है, सेल ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। आई होप कि मेरे बातों को आप लोग आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या समझे कि मोनोपोली मार्केट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक मोनो और दूसरा पोली। मोनो मीन्स इट मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर, मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ पर कोई सिंगल सेलर हो। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट मीन्स द मोनोपोली मार्केट रिफर्स टू द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलिंग अ प्रोडक्ट वेयर देयर हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, ठीक है। आई नो यू नो कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। फिर कहता है इन दिस मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देयर हैव नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्रीज इज सेड टू बी मोनोपोली मार्केट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। साथ ही साथ बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ प्राइस मेकर एंड टेकर बोथ, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ बोथ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। यहाँ तक भी समझ चुके होंगे आप लोग मेरी बातों को, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और फर्म में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होती है। फिर कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये कि इस मार्केट में मोनोपोली मार्केट में डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट का डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस को चार्ज की जाती है, साथ ही साथ डिफरेंट रीजन का अलग अलग प्राइसेस होती है। जैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रिसिटी के यदि मैं एग्जांपल लूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है
कि देखेंगे रूरल एरिया का इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट अलग होती है, जबकि अर्बन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो होती है वो कुछ अलग होती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ रहे होंगे। फिर कहता है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस को चार्ज की जाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं रेलवे की बात करूँ, यदि मुझे यहाँ से यदि मुझे अगर चेन्नई जानी है तो देखिएगा सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस ली जाती है। यदि कोई चाइल्ड है चिल्ड्रेन है तो उसके लिए जो अंडर फाइव ईयर एज आता है उससे किसी प्रकार का चार्ज नहीं ली जाती है। फाइव से एबव है और बिलो ट्वेल्थ ईयर का है तो उसका हाफ रेट कर दिया जाता है। नॉर्मल इंसान है तो उसको जो प्राइस है जो रेट है फेयर चार्ज है वो चार्ज की जाती है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसका एक अलग चार्जेज होती है। साथ ही साथ यदि कोई वोमेन पर्सन है उसका अलग चार्जेज होती है। कोई डिसेबिलिटीज पर्सन है उसका अलग चार्ज होता है। मतलब कि एक ही जगह जाने का देखिए इतना सारा प्राइसेज है। अक्सर पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी जो है ये जो है आपको मोनोपोली में आती है। जैसे वाटर सप्लाई कंपनी अगर मैं बोलूँ तो ये भी एक इसी में आएगी। ठीक है, वो अपने हिसाब से चार्जेज करते हैं। जैसे देखेंगे अगर ग्रामीण एरिया अर्बन एरिया में जाएंगे तो जो पानी जो प्रोवाइड की जाती है जो सप्लाई करती है वाटर सप्लाई कंपनी वहाँ नॉमिनल चार्जेज होती है। बट अगर मैं अर्बन एरिया की मैं बात करूँ तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ से ज़्यादा चार्जेज लेती है। तो आई होप कि मेरे बातों को आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। अब मैंने डिस्कस करवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, जिसमें मैंने बताया कि सारा डेफिनेशन भी इंक्लूड है। मतलब सिंगल सेलर होगा और प्रोड्यूसर होगा पहली। दूसरा कह सकते हैं बैरियर टू एग्जिट एंड एंट्री, मतलब इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के लिए बैरियर है। साथ ही साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। साथ साथ देयर हैव नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड फर्म, ये भी इसका एक पॉइंट बनेगा। साथ साथ मैं कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे डिमांड कर्व इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है। साथ साथ मार्जिन रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग चलता है। इससे ये स्पष्ट होती है कि मोनोपोली कंपटीशन में यदि फर्म ज़्यादा क्वांटिटी सोल्ड करना चाहेगी तो प्राइस में क्या करेगा, डिक्रीजिंग कर देगी। यदि वो कम क्वांटिटी सोल्ड करना चाहेगा तो प्राइस में इम्प्रूवमेंट करेगा, इंक्रीजिंग करेगी। फिर कहता है देर हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, इस फर्म का कोई अपना क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मतलब इसका कोई रिवेल कंपटीटर नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कि गुड्स पे को सप्लाई पे इसका फुल कंट्रोल होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड मेकर, मतलब कि फर्म जो होगी प्राइस टेकर भी होगी और साथ साथ मेकर भी होगी। आई होप कि मेरे बातों को आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं यहीं से क्लास को रोक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।